आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे कमोडिटी पैक के अंदर हमने एक जबरदस्त मोमेंटम बनते हुए देखा। सबसे पहले अगर हम बुलियन की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा 3% की गिरावट एमसीएक्स बुलडेक्स में होते हुए दिखाई दी। वहीं गोल्ड के अंदर भी 2.5% की गिरावट, चांदी में 3.5% की गिरावट बनते हुए दिखी। जिस ढंग से ऐसा लग रहा था कि युद्ध पे अगर विराम लगता है तो कहीं ना कहीं जो वार प्रीमियम की वजह से मार्केट में तेजी आई थी वहां पे कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देगा, और ऐसा ही कुछ हमने सोने चांदी के साथ होता हुआ दिखाई दिया। बट एक खास बात यह भी है कि फेड ने जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मौका देखा और 0.25 से इंटरेस्ट रेट बढ़ी, इमीडिएट हमने सोने चांदी में भी तेजी देखी, जो दर्शाता है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट हाइक का जो सिनेरियो है वो डिस्काउंट करके चल रहा है, जिसके तहत पिछले हफ्ते में 52,623 के आसपास का सोना ओपन होकर 786 का हाई लगाकर 51,000 तक का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। बट वीकेंड के अंदर अंदर हमने इसमें रिकवरी आते हुए देखी। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोने और चांदी दोनों ही अपने की लेवल्स पे है। जहां सोने और चांदी के आरएसआई ओवरबॉट में पहुंच गई थी वो अब खत्म होते हुए दिखाई दिए, तो सोना हमें लगता है 51,000 का बेस बना रहा है, यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 51,850 का इमीडिएट हर्डल रहेगा या इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है। वहीं चांदी में हमने जबरदस्त गिरावट देखी है हायर लेवल से, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस अभी 67,000 का एक बेस बनाता है, तो 66,500 से 67,000 के बीच में चांदी को लेके चलिए। ध्यान रखिए बड़ी तेजी के लिए 69,500 या 70,000 का लेवल तोड़ना जरूरी है, बट लो लेवल पे बाइंग सोने और चांदी में की जा सकती है। अगर एनर्जी पैक की बात करें तो यहाँ पे हमने काफी मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा, जहाँ क्रूड के अंदर तो 4.5% की गिरावट आते हुए देखी, जबकि नेचुरल गैस के अंदर 1.5% की तेजी बनी है। क्रूड में हमने देखा जिस ढंग से रशिया का जो संकट है जिसकी वजह से प्राइजेस में गेन्स हुए थे, बट कहीं ना कहीं यूएस काफी एफर्ट्स कर रहा है कि ईरान, इराक, वेनेजुला इनके प्रोडक्शन मार्केट में आ पाए और जिससे जो सप्लाई गल्ट बना हुआ था उसमें रिलीफ मिले, जिसके बाद के चलते हमने प्राइजेस में ये हफ्ते में 8200 का हाई लगाने के बाद 7152 तक का भी लेवल जाते हुए देखा। बट लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है और 7960 पे क्लोज दिया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अभी भी डिमांड के मुकाबले सप्लाई मिसमैच है, जिसकी वजह से ये बड़ी तेजी बनी थी। अगले हफ्ते भी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, बट कहीं ना कहीं 7500-7600 की रेंज में मिले तो लेके चलिए, 8200 तक के लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो एंड सीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसका मतलब है अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है। मल्टीपल ऑफ टाइम इससे पहले भी हमने देखा कि 375-380 तक का लेवल मार्केट में जाता है, बट मार्केट में प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाता है, जिसके चलते हमें लगता है कि आने वाले हफ्तों में दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। जब तक 385 के ऊपर नहीं निकलता है भाव, डाउन साइड में 340 तक के भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल की अगर बात करें तो निकल के प्राइजेस के अंदर जबरदस्त तेजी के बाद एलईबी पे सस्पेंड तो हो गया था, बट अभी भी ट्रेड पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन में नहीं आए। एमसीएक्स मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 4.5% की गिरावट देखी। कॉपर फ्लैट था, जिंक फ्लैट था, निकल में 12.5% की गिरावट, एल्यूमिनियम में 3.5% की गिरावट, और लेड तो वैसे भी पिछले 6 महीने से कोई भी बड़ा मूव करता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से रेंज बाउंड एक्टिविटी चलती रही। फंडामेंटल साइड देखें तो चाइना काफी कोशिश कर रहा है कि नया इकोनॉमी के अंदर बूस्ट लाया जाए, जिसकी वजह से मेटल के कंजम्पशन बढ़े, बट कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से ही मेटल के अंदर तेजी बनी हुई है। खास करके एल्यूमिनियम और निकल, ये दो ऐसे मेटल है जो सीधा सीधा रशिया से कनेक्ट करता है, तो जब अनलेस एंड अनटिल सप्लाई इंप्रूव नहीं होती ये दो मेटल के अंदर तेजी का रुख कायम रहेगा। हाँ, साथ में हमने जिंक, कॉपर, इनमें भी देखा लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी होते हुए दिखाई दी। उसी को देखते हुए कॉपर में हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर 310 के ऊपर प्राइजेस काफी स्ट्रांग है, जो 826 से 328 तक का 826 से 828 तक का लेवल
दिखा सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी 320 के ऊपर प्राइजेस में एक अच्छी तेजी बनेगी जो अपसाइड में 335 तक का लेवल दिखा दे। निकल में ट्रेड वेट कीजिए। एल्यूमिनियम में भी ट्रेंड पॉजिटिव है जो 285 तक का लेवल दिखा देगा। लेड के अंदर भी 189 का इमीडिएट टारगेट रहेगा जब तक प्राइजेस 180 के ऊपर बने हुए। तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बेस मेटल में भी रहेगी, बट वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ती भी दिखाई देगी। धन्यवाद। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।